गया कि माहौल बहुत सही हो रखा है, देख सकते हो। क्या लाई, क्या लाई, मेरी पीठ टूट चुकी है भाई। सर में सरिया मार दिया, ठीक है। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे, सही चल रहा होगा आपका, जिंदगी वगैरह सही चल रही होगी, अच्छे बच्चे सही हो रहे होंगे, वो भी है। चलिए, आज मैं घर जा रहा हूँ अपने, एंड बहुत टाइम से नहीं गया था मैं घर, हमारे भी एग्जाम्स खत्म हुए हैं। मैंने कहा कि यार चलो चल जाते हैं, घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद थोड़ा दिमाग में ठीक है, थोड़ा क्लियर होता है दिमाग। तो पहले मुझे इतना मन नहीं करता था घर जाने का, क्योंकि यहीं पे ऐसा मन लगा रहता था। जैसे जैसे करके लाइक बढ़ते जाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, उतना मन नहीं लगता चलता है। घर की इंपॉर्टेंस भी पता चलती है, घर का खाना तो घर का खाना ही होता है। कॉलेज में रह के बर्नआउट टाइप हो जाता है, रिलीज चाहिए होता है बेसिकली। जा रहा हूँ मैं, आज मेरी रात की फिर से बस 10:30 बजे कश्मीरी गेट से मेरी बस रही, देखते हैं और कोई एडवेंचर तो ना ही हो हमारे साथ तो बढ़िया होगा। ये सारी बेडशीट वगैरह ये सब कुछ मैं ले जाऊंगा, क्योंकि भाई इन सब की धुलाई बहुत होना जरूरी है भाई। यहाँ पे पैंट वगैरह, ये पैंट तो भाई मैंने 3 महीने से पहनी होगी लगातार हर दिन, ये वाली पैंट, ये वाले के टी शर्ट वगैरह सब कुछ, सब चीजों को भाई वॉशिंग की जरूरत है। यहाँ पे मैं बेसिकली इसलिए वॉश नहीं करता क्योंकि यहाँ पे एक तो ये कपड़े घुमा देते हैं, दूसरी बात कपड़ों की भाई हालत बहुत बुरी कर देते हैं। सच में के पास ऐसा होता है कि काला कपड़ा जाता है वो सफेद होके आता है, सफेद कपड़ा काला होके आता है। अभी देख सकते हो कपड़ों ही कपड़ों का ऐसे पहाड़ बन चुका है, पूरा रूम थोड़ा बिखरा बिखरा सा है। तो जैसे कि बेसिकली जाऊंगा मैं, थोड़ा घर जाऊंगा एंड वहां से थोड़ा क्लीन अप होके आएंगे। तो चलो अब जल्दी से पैकिंग वगैरह शुरू करते हैं। बहुत सारे कपड़ों को भाई एक सूटकेस के अंदर बंद करना है। छुट्टियां वगैरह भी बहुत ज्यादा नहीं मिलती, मतलब बहुत कम मिलती हैं, एंड अभी भी छुट्टी नहीं है। न्यूज सुनी होंगी जो डॉक्टर के साथ हुआ, इसमें भी स्ट्राइक हो रही है, इंडिया में स्ट्राइक्स हो रही है, जो कि होना जरूरी भी है। हमारे कॉलेजेस अभी थोड़े बंद है, बंद तो नहीं है मतलब थोड़ी क्लासेस नहीं हो रही है, कम हो रही है। अगस्त है, 15 अगस्त के एक दिन पहले 14 तारीख को हमें भी कॉलेज थोड़ा बंद सा रहता है, एंड 19 तारीख को यू नो रक्षाबंधन भी है, तो वहां पे भी जाना पड़ेगा। इसलिए चलो एक हफ्ता टायरिंग मेडिकल लाइफ से निकालते हैं एंड थोड़ा चिल करते हैं, पीस में रहते हैं, ठीक है। तो मैं सिस्टम सेट करता हूँ, क्या क्या लेना है। हालत देख सकते हो बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पे, हालत अच्छी थी भी कब वैसे। तो चलो ठीक है, जल्दी से पैकिंग करना शुरू करते हैं, इसमें भर देते हैं सामान भाई, जल्दी से पैक करना शुरू करते हैं। तो अभी टाइम होने वाला है, 10:30 की मेरी बस है, अभी 8 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो कुछ खाने के लिए मंगाई लेते हैं, एंड बहुत टाइम से नहीं मंगाया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बिरयानी मंगा लेते हैं। एंड साथ ही साथ अभी मैं एक मूवी देख रहा हूँ, मूवी का नाम है ट्विस्टर्स, एंड सही है, मेरे को मूवीज वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है। अगर आपको भी है या कोई देख रहा है यहाँ पे जिसको मूवी का है बहुत ज़्यादा, मेरे को अच्छी मूवीज रिकमेंड करो, या तो मैं भी कर सकता हूँ आपको बहुत सारी अच्छी मूवीज रिकमेंड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मूवीज देखता हूँ, जेन्युइन वाली मूवीज देखता हूँ, मतलब जो अच्छी होती हैं, थोड़ी यू नो बेसिक लाइफ में बेस्ड होती हैं, बेसिक ह्यूमन प्रॉब्लम्स को डील करती हैं। ऐसी मूवीज होती हैं कि ना वो आपको एंटरटेन नहीं करेगी मूवी, वो लाइक आपको फैक्ट्स देगी कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। वो आपको ऐसा नहीं है कि हुक करके रखती है, जो थिंग होती है उसको ऐसा रॉ प्रेजेंट करती है, अगर आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। तो ऐसी मूवीज ज्यादा अच्छी लगती है, ऐसी मूवीज में अक्सर जो आदमी होता है वो बोर हो जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ एक नई चीजें पता चलती है, ठीक है, नया लाइफ पर्सपेक्टिव पता चलता है किसी चीज के बारे में। ऐसी मूवीज देखने से कुछ मतलब ही बनता है, एंटरटेनिंग के लिए देखने है, तो साउथ की मूवीज देख लो भैया, रहता है पचौरी, तो भाई जब देखो कोई साउथ की मूवी देखता रहता है, मैं उसे बोलता हूँ भाई ऐसी मूवी देख जैसे देखने के बाद तो लगे कि हाँ यार ठीक है ऐसा भी होता है दुनिया में। ठीक, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा मूवीज में तो ठीक है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको मेरी नो वन ऑफ द फेवरेट जो की मूवीज है वो रिकमेंड कर दूंगा। चलने की बारी आ चुकी है, एंड हंस वहाँ पे रबड़ी बना रहा है अपनी, तो अभी चलते हैं जल्दी से, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, मेरी उबर ही नहीं हो रही, क्या करूँ, देखते हैं क्या सीन बनता है, जल्दी से घर पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते पता नहीं। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, एंड अभी जस्ट मैं बस से उतरा हूँ, एंड यहाँ से मेरा घर 800 मीटर है या फिर 800 मीटर से थोड़ा ज्यादा है, यहाँ से मैं वॉकिंग ही जाता हूँ। यहाँ का माहौल बहुत सही हो रखा है, देख सकते हो मौसम अच्छा है, एंड ऐसा लगता है कभी भी बारिश होने वाली है, तो सही है। मम्मी भी कह रही थी कि एक हफ्ते से बस बारिश ही चलती आ रही है और कुछ नहीं हो रहा, बट ठीक है देखते हैं क्या सीन बैठता है। देख सकते हो भाई पूरी हरियाली ही हरियाली है यहाँ पे, फाइनली अब मैं पहुंच ही गया हूँ, वॉक करनी पड़ती है बट इट्स ओके। आज तो बस में बिल्कुल मेरे को नींद नहीं आई, एंड बस मैं पॉडकास्ट ही सुने जा रहा था, मतलब सोया तो नहीं बट पता नहीं क्या हुआ, स्किप हो गया पूरा पॉडकास्ट ही सुना है भाई आज तो मैंने पूरे।
तो ये जो सारे आपको घर दिख रहे हैं, इन घरों में से भी मेरा एक घर है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो मैं घर में आ चुका हूँ एंड स्पेशली मैं गिफ्ट लाया था भाई, पर गिफ्ट की ना आजकल कोई कदर होती नहीं है इस दुनिया में। यहाँ पे फीलिंग्स मैटर करती है ज्यादा, बट यहाँ पे प्राइस ज्यादा देखे जाते हैं। क्या लाया है? क्या लाया? दिख नहीं रहा है। एरियल फ्रूट जूस कटोरी, ठीक है, पतंजलि का रबड़ी बिस्किट, मतलब ये आता नहीं है। 120 रुपए का गाइस, 120 रुपए का, और कुल मिला के इसके अंदर 45 रुपए का सामान है। बढ़िया है भाई, ये खाया है कभी तूने? 120 रुपए का कैश दे देता भाई, कुछ अच्छा खाती मैं। सच में नहीं पता, ये सच में नहीं जानता ना मेरे को ना मम्मी को। ये सबको एक साथ लाने में पता है कितने वो हुए हैं? ये बहुत अलग थे, बहुत बिछड़े थे सारे के सारे। साहब ने इनके ऊपर बहुत एहसान करा, इनका कोलैबोरेशन करा के जो सिर्फ इसने पॉसिबल करवाया पूरे 120 रुपए में। भाई आजकल तुमने सोचा था ना कि दिल्ली की लड़कियों स्टैंडर्ड्स हाई है, यहाँ देख रहे हो देहरादून में बैठी हुई लड़की, देखो स्टैंडर्ड्स हाई नहीं है। मैं 5 रुपए की चीज खा रही हूँ, मुझे नहीं खाना ही है, क्या ही सब झूठ की बोलूं, ठीक है, मुझे कटोरी पसंद है, ठीक है। आ गई ना देखो चिंदी चोरी में, आ गई ना, नहीं कर रहा था आप लोगों ने कटोरी खाती क्या ही हार सकती, कोई जाना तो नहीं उसको, मजाक कर रहा हूँ कि तेरे नहीं लाया मसाला सोया कटोरी। मिलता तुझे ये चीज? मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे ये एग्जिस्ट करता तो मुझे ये भी नहीं पता था पेपर बोर्ड की चॉकलेट। चिक्की याद है? अनबॉक्सिंग ऑफ चिक्की, गुड़पट्टी, गुड़पट्टी चिक्की कह रहे थे, चिक्की तो ये चिक्की 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 गुड़पट्टी को चॉकलेट की फॉर्म में बेचना। अब ना बड़े भैया को ना थोड़ा ना आदर देना, इससे पता चला तुम्हारे भाई के अनकंसिडरेट होते हैं। हाँ। आपको लेके क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, उसे अच्छे से पता कि जीवन में ये सारी चीजें कभी खाई नहीं जाएंगी, इस्तेमाल नहीं की जाएगी, उठा के ले आया 120 रुपए बर्बाद करके। जो भी भाई देख रहे हैं कुछ मत लाना, एक दो गालियां जरूर लेके आना साथ में, वरना तो ये होता है, ये होता है। मम्मी का भी कॉल है, मैं सुबह से जा रही हूँ कॉलेज और मैं अभी अभी आई हूँ, सुबह से भूखी हूँ, ठीक है, भूखी, और उसके बाद मैं 1.5 किलोमीटर चल के आई हूँ घर। अब मैं जैसे ही घर आई हूँ, मम्मी का फोन आया कि राजा बेटा तो सुबह से कमरे में एसी में लेटा हुआ है, उसने 3 टाइम का भोग कर लिया है बेटा, उसने चाय बना दी, तूने खाया, तूने पीना, बेटा उसने चाय बना दो जल्दी से। गधों की तरह मजदूरी करके आई हूँ कॉलेज में, मैंने घंटों घंटों क्लासेस लिए, सुबह से क्लासेस ले रही हूँ, फिर उसके बाद मैंने कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि टाइम भी नहीं मिला, उसके बाद चल के घर आ रही हूँ। बेटी बेटे के लिए चाय बना दे, वो बेटा जो 3 टाइम सूरज खाया जल्दी से बना दे यार चाय भाई, अरे भैया के लिए अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है तो माल वाल देखा देखा, चाय तो बनती नहीं है एक टाइम की, रक्षाबंधन में चाहिए पैसा बहुत ज्यादा है, तो सोचा मत कर, कम कर दिया। सोचा था कि तुझे लिंक भेज देती हूँ, तुम्हें ऑर्डर करेगा और मुझे सरप्राइज देगा। सरप्राइज हुआ तुझे, किस पता था मुझे चाहिए। कहाँ जा रही है? तो मैं वर्षा को कह रहा था कि यार वर्षा तुझे भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, और इसको मैंने बहुत पहले बोला था कि बना ले यार चैनल वैनल अपना, ठीक है बढ़िया, ट्रैफिक एरा यूनिवर्सिटी हिल यूनिवर्सिटी है, किसी को पता है नहीं क्या है क्या चीज है, मैं ठीक है देख लेंगे, कोर्स भी कोई बात नहीं, वो अनसुना ही रह जाए तो ज्यादा बेहतर हो। तो इसमें रोस्ट करने के लिए बनाई है ये वीडियो, बंद कर इसको। ब्लॉग, तेरी ब्लॉगिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ऐसे कुछ बोल। नहीं मेरी ब्लॉगिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, इसमें बहुत मेरी कॉमिक टाइमिंग डायलॉग्स अवेयर एट पॉइंट, पर जब मैंने कोशिश करी ना गाइस, और मैंने आपसे पूछा भी था मेरे चैनल का नाम होता है जिसको याद हो वो कमेंट करके बता, ठीक है। फिर मैंने जैसे विनोद पटाइन चले को दिया तो 3 दोस्तों बगल से ऐसे कोई छी बेइज्जती करा रही है, बेइज्जती करती है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, कैसे बोल दिया तूने, मेरी 10 सबसे बड़ी बात है, पागल मम्मी देख लेगी, मतलब देयर वाज सो एंबैरेस्ड। फिर मेरा मोरल डाउन हो गया गाइस, मैं ऐसे ही ब्लॉगिंग बना रही थी ऐसे करके, और वैसे कर रही थी, और अचानक से ना मेरे दो दोस्त ने ऐसे बैठे हुए थे ऐसे, और वो कुछ सीरियस बात कर रहे थे, मैंने कहा देखो गाइस ये किस करने वाले हैं, दिखने में इतना लग नहीं रहा है। नहीं नहीं दिखने में तो बहुत था, फिर माइंड में भी थोड़ा बहुत था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तुम सोचो ये तो फनी ही नहीं है, किस चीज की बात करी, झूठ बोल रही। नो, सेकंड ईयर के साथ मैं क्या डील करूँ, जितने बच्चे तुम ला सकते हो उनके नंबर्स के साथ एक ग्रुप बनाओ और मुझे ऐड कर लो, उनके नंबर्स निकाल के मुझे भेज, मुझे मत भेजिए, काम करिए ग्रुप ही बना दीजिए खुद ही। ओके आखिरकार यहाँ पे चाय आ गई है, कैसी बनी है चाय? मैंने भी टेस्ट करी प्रभु, आप टेस्ट करके बताइए, हम नौकर हैं। ए, ऐसे रहा करना, इसका कलर ऐसा क्यों है? क्योंकि तू ज्यादा दूध वाली पीता है, मुझे याद है सावन। जलने की क्यों दुर्गंध आ रही है इससे? एक्चुअली थोड़ी ज्यादा उबल गई थी, बनाई मैंने पूरी कप थी पर वो थोड़ी ज्यादा उबल गई, तो थोड़ा
आधा कप होगी। गाइस आई कैन कुक, घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब ले। तो पूरी मैगी बना लेती है एक ही बारी में, है ना सर? सर कह रही हूं मेरे तो कोई कैरेक्टर में आ गई भाई। ये हमें भी पता है, ये नहीं करती सावन, हमारे साथ ज्यादा रहता नहीं ना, तो उसे पता नहीं हम सर्वाइव करते हैं ये पीकने के बाद या नहीं। मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं कैसी बनी, प्लीज और मेरे को बहुत डर लग रहा है, टेंशन हो रही है। सूंघने में ही बेकार हो रही है, तू इतना मत सोच, बेकार है। अर्जा तूने चाय बनाई, ये बड़ी बात हो गई, काफी इससे ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन करते भी नहीं आपसे। निकलिए आप, जाइए जाइए, हम काम कर रहे हैं अपना, जाइए। इज्जत ही नहीं है। तो कैसे हो दोस्तों, एंड अभी मैं आ चुका हूँ घर में, एंड मैं आया था कल घर में आया था, एंड पूरे दिन भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस घर आया, मैंने खाना खाया एंड मैं सो गया। फिर उसके बाद मैं 1-2 बजे उठा, फिर मैंने खाना खाया, मैं फिर से सो गया, लेट आ रहा एंड फिर से खाना खाया एंड सो गया। घर में भाई सच में कुछ करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि लेट रहते हैं, मम्मी आती है, मतलब चाय यार यू नो मैं पहाड़ी हूँ एंड पहाड़ी लोगों को चाय तो उनका फेवरेट रहता है। गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, दुनिया खत्म हो रही हो, आतंकवादियों ने जो भी हो, चाय तो बनती है एंड 3 टाइम चाय पक्की होती है। घर में तो मेरे को 3 टाइम चाय, 3 टाइम का खाना हमेशा चाहिए ही रहता था। ठीक है, मैं सुबह उठता हूँ, मम्मी चाय वाय खाना वाना पिलाती है, मैं लेट जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, सोते सोते मेरी पीठ टूट चुकी है भाई, सच में बैक पेन हो रहा है। ये मेरा कमरा है, मतलब अब तो मेरी बहन का कमरा हो गया ये, बट ये पहले मेरा रूम हुआ करता था एंड यहाँ देख सकते हो इसने कैसे फ्रेंड्स वाली चीजें यहाँ पे लगा रखी है। ठीक है, मेरे को नहीं समझ में आती फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने नहीं देखी, तो ठीक है, बट ऐसा कुछ है जिन्होंने फ्रेंड्स देखा है कुछ समझ पा रहे होंगे इससे या नहीं समझ पा रहे होंगे। एंड यहाँ पे देखो कैसी कैसी चीजें रखी हुई हैं, बिल्कुल लड़कियों जैसी चीजें रखी हुई है। ठीक है, मेरा रूम हुआ करता था बट अब मेरा रूम नहीं है, बट जैसे मैं आता हूँ घर में, इस रूम में मेरा कब्जा हो जाता है। जनरली कहूँ तो मैंने कुछ किया नहीं है इतने दिनों, बस मूवीज देखने की कोशिश कर रहा था। मैं इतना आलसी हूँ भाई, मेरे को अब मूवीज भी नहीं देखी जा रही है, चूज नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सी मूवीज देखूँ। आप कोई अच्छी मूवी मुझे सजेस्ट कर सकते हो तो कर देना। सोच रहा हूँ कि एक थोड़ी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लेता हूँ छोटी सी। अरे ये मेरा घर है एंड जो मेरी वीडियो बहुत पहले से देख रहे हैं उन सबको तो ये घर याद होगा, बाकी जो नहीं देख रहे यहाँ ये देखो, यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड मैंने कोविड के टाइम पे मम्मी के लिए लिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है मम्मी दा ढाबा रखी हुई है। बाकी यहाँ पे ये हैप्पी बर्थडे का था, ये तब से वहीं पे लगा हुआ है एंड यहाँ पे ये वाली चीज है भाई साहब, कोविड के टाइम पे ऐसी जनरली कुछ भी ऑर्डर करने का चस्का चढ़ा हुआ था, तो हमने कहा भाई इस वॉल को, खाली वॉल को डेकोरेट करने के लिए कुछ चीज ले आते हैं, तो ये खरीदी थी, हमारे कोट्स खरीदे थे भाई मोटिवेशन के लिए, और वो तब से यहीं पे लगे हुए हैं। और तो भाई क्या ही है, हो यहाँ पे ये देखिए, ये भाई साहब कोविड के टाइम पे भाई, जनवन कोविड के टाइम पे क्या था कि मैं पहले जिम जाता था एंड मैं पहले बहुत पतला था, वैसे अगर आपको पता हो तो पहले मैं बहुत ज्यादा पतला था एंड उसके बाद मैंने 1 साल कोविड में जिम किया एंड बीच में ऐसा हो गया था कि कुछ ज्यादा ही कोविड हो गया था तो जिम भी बंद हो गए थे, तो मैंने ये डंबल खरीद लिए थे भाई साहब, देख रहे हो भाई फुल ऑन होती थी ये देखिए भाई साहब, मुझे लग रहा है पहली जिम में ज्यादा अच्छा करता था, अब थोड़ा सा तो मुश्किल हो रहा है उठाना इन्हें, बट ठीक है। बर्थडे वाले दिन कहती मारती ना तो बर्थडे में कहती हैप्पी बर्थडे बेटी शुरू हो गया क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, तो मैंने बोला ना मेरे मुंह पे कैमरा मत लाया करो, मुझे वो हो जाता है। ये कौन बैठा हमारे आगे, ये मम्मी तो नहीं है, कटिंग करती है 2-3 चीजें पढ़ने की, जो कि ये रही पता भी है इन चीजों के बारे में या ऐसे। गाइस आई एम अ रीडर, क्या ठीक है, मैं पढ़ती हूं जैसे बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स हैं हमारे पास है, ये सारे कुछ पढ़े भी हैं बस ऐसे। yes, ये देखिए दिस इज, अभी तूने नई नई मंगाई है ना, एंड अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो आप ये पढ़ना, ऋत्विक सिंह की है आई डोंट लव यू एनीमोर, तो तुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज का है। गाइस इस बुक ने मुझे उभारा है, किस चीज से? ब्रेकअप से, क्या ब्रेकअप से? नहीं गाइस उसने तो सिचुएशनशिप में छोड़ दिया, मम्मी कैसे रिलेशनशिप की बात कर रही है, अब दिन क्या लगेगा, मैंने बोला था कि मेरे को मत बोला कर, कभी वापस सेम लाइन रिपीट करके सेम लाइन, बेचारी स्ट्रेस में आ गई है कैमरा खुलते ही कि आप जो उसकी शॉर्ट्स देखोगी ना तो इसका ऐसे बोलने का तरीका ऐसे रहता है, अरे ये हो गया वो हो गया, जैसे बहुत अच्छा मतलब कुछ फनी बताएगा, अब बताएगा करते करते उसकी शॉर्ट खत्म हो जाती है, जो एक ढंग का नहीं होगा उसमें, पर इंसान का बिल्डअप बना के रखेगा कि तू वेट कर अभी कुछ फनी बोलूंगा, पर नहीं वापस कर दे, अरे मैं तो ये कर गया, अपन हमें लगा अब हम क्या करें, फिर हमने सोचा हम सो जाते मैं सब बोल रही थी कि तुझसे नहीं हो रहा था, मैं लिख दूंगी तेरी स्क्रिप्ट मैं तो कह रही हूँ मेरे ब्लॉग्स भी देखना चालू करो जो कभी नहीं बनेंगे ये पिछले 1 साल आप पहले मुझे बताओ कि मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी, आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं आपको हंसाने की गारंटी लेती हूँ, आपके लाइफ में जो पढ़ाई कर रहे होगे आपको जो स्ट्रेस हो रहा होगा, मेरी वीडियो देखो आप बोलोगे कि वाह कितनी वैली है मेरी वैली है, इसके पास कुछ है नहीं करने को, और ये चीजें शुरू तो कर देती है लेकिन उनको खत्म नहीं करती, 2 दिन कहाँ चली गई, कहाँ चली गई है, इनके ब्लॉग्स मत देखना, ये इनके मत देखना, मैं तो बनाने भी वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता
लगता है मैं बहुत बुरी हूँ इसमें। ये देखो कैसी बातें कर रही, मम्मी आपको कंटेंट देने को बोला है, अब वही वही मम्मी वाली बातें। क्या बोलूं मैं, कैमरा खत्म होते भी वही बोलेंगी, कैमरा चालू होके भी वही बोलेंगी, तो क्या बोलूं मैं बता, क्या बोलना है। इतनी एक्टिंग कर रहे हो, थोड़ा और एक्टिंग करो यार, हमारे इस बात की एक्टिंग कर लो। WWE की फाइट करता था वर्षा के साथ भी, मेरे साथ भी, मेरे पास अभी भी वीडियो है तेरी WWE की। गाइस मैंने तो अपनी उंगली कुर्बान कर दी। हाँ कुछ भी, ये हवा में। गाइस ये स्ट्रेट है, ये देखो टेढ़ी उंगली मेरी। हाँ, और ये मैंने तोड़ी है। किसने तोड़ी है पता क्या किया इसने? हाँ। इसने चलो ठीक है मेरे को हरा दिया, जैसे हराता इधर मेरे को ऐसे पकड़ा ऐसे करके चॉक स्लैम दिया। ये चॉक स्लैम नहीं नहीं, ये एटीट्यूड एडजस्टमेंट, एटीट्यूड एडजस्टमेंट शिट, मेरी स्किल्स को क्या हो गया। ठीक है एटीट्यूड एडजस्टमेंट दिया इसने मुझे, अभी जीत गया इसने मेरा पिनफॉल कर दिया। सही बोल रही ना, पिनफॉल इसने मेरा पिनफॉल कर दिया। ठीक है उसके बाद अभी ना एंजॉय कर रहा, सेलिब्रेशन कर रहा था, यू इज योर चैंपियन सावन गॉड, और ऐसे ऐसे में इसने पैर ऐसे नीचे रखा और नीचे आ गई मेरी उंगली, टेढ़ी हो गई मेरी। ये जे झूठ है तेरी, बचपन से ही ऐसी थी। और ये पता नहीं इसको क्या हुआ, इसने मेरे सर में सरिया मार दिया। ठीक है मम्मी सर में सरिया मारा, नहीं मारा सर में, अरे कुछ नहीं था यार। और यही नहीं गाइस, एक हम छोटे छोटे से इतने पैसे, ठीक है दिवाली का टाइम आया था, मम्मी एक बंदूक लेके आई, सिर्फ इसके लिए लेके आई। ठीक है अब मैं चिड़ी गई तो मैंने इसकी ना बंदूक पैकेट सहित ही सिर्फ टब में डाली थी पानी में। ठीक है ये गए से पता चला, मैं सीढ़ियों में ऐसे भाग रही ऊपर, ठीक है अपनी जान बचाने के लिए, मैं चाहते चाहते ना एकदम सीढ़ियों के ऊपर पहुंची, मैंने कहा क्या ही कर सकता है मेरा। पर इसने तो एक तो चमड़े वाली चप्पल तो बाथरूम में लेके जाते हैं हम। हाँ, ठीक है वो पकड़ी इतने से कैसे मारी भगवान जाने, इसने मारी चट्टो मेरी आंख में, अंधी होगी उस टाइम के लिए, तो आज भी मेरे आज भी उसको कम दिखाई देता है। तो मतलब तुम देख रहे हो उंगली टेढ़ी, सर फूटा हुआ, ठीक है आंख नीचे दिखता नहीं, इस वजह से मुझे लगा कि इसकी आंख फूट गई, इतनी लाल हो रखी थी, मैं तो बिल्कुल बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा ये खुराफाती था। एक दिन इसने घर में आग लगा दी, एक दिन घर से आग लगा और भाग गया और लापता हो गया। ये पहले आग से बहुत खेलता था, जहाँ भी इसको माचिस दिखती थी ना ये जला देता, किसी किसी रिश्तेदार का घर जला दिया, ठीक है और वहाँ पर उनका घर जला दिया और भग गया वहाँ से, इतना सा आग लगा ये भग गया। गुम भी तो हो गया था ये। हाँ बहुत छोटा था जब गुम हो गया। हाँ गुम हो गया था, फरार हो गया। मतलब हम सरोजनी नगर घूमने गए थे और ये मेरे साथ ही था, तू गोद में थी मेरे और ये मेरे साथ ही था मुझे, और मैं हम कुछ देर दूर आगे आ गए, मैंने कहा सावन कहाँ गया, और देखो सावन नहीं इधर उधर, फिर थोड़ी देर में यू ऐसे ऐसे करके रो रहा, इसकी आंखों में आंसू और ऐसे ऐसे करके देख रहा कि कहाँ चली गई है मम्मी। सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरे को पहुंचाया गया है। मतलब छोटी थी बहुत, जब 6-7 महीने की रही होगी, झूले पे लिटा रखा था, सो रही थी, ये गांव में नमक का डब्बा होता है मोटा वाला नमक होता है गांव में, इसने उठा उठा के उसके ऊपर नमक, तेरे ऊपर नमक फैला दिया। वो तो अच्छा हुआ कि तू उठी नहीं, तेरी आंख में गया नहीं, तू सो रखी थी तब तक देख लिया है। आंसू आने वाले मम्मी, मेरे को मेरी आंखों में आंसू आ गए सुन के कि सावन में नमक क्यों मैंने किया होगा, थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा इस चीज में। गांव के स्कूल में जाता था ना तो ये अपने बैग में एक्सरे वगैरह रख के जाता था, ऐसे जाता था और ऐसे उल्टा करके, हाँ और ऐसे ऐसे भागता था। अजी बोलते थे जो अगर जो इसको पकड़ लेगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन कोई इसको पकड़ नहीं पाता था, ऐसा भागता था।